जैसे हम लोग ने देखा कि जब आप एक बैंक लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे देखो थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन बाई मी मतलब ये मेरा हो गया एसेट बैलेंस विद बैंक थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड

आई ओन रुपीज टेन लाख वर्थ थिंग्स ऑफ वैल्यू रुपीज थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑफ दिसम इन कैश ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि टोटल मेरे पास कितना रुपए दस लाख दस लाख में से साढ़े तीन लाख बिल्कुल लिक्विड है दैट इज बैलेंस विद बैंक एकदम लिक्विड है जब आपको जरूरत है आप उठा ली वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको निकालने में और फाइव लाख जो अदर पर्सन बिलोंगिंग

एक्सटर्नल लोन है जब आप उसको माइनस कर देते हो तो आपका ओनर्स क्लेम ही आ जाता है ठीक है नाउ दैट बैंक ग्रांट्स मी अ लोन ऑफ ना एंड आई बाई दैक आफ्टर द परचेज ऑफ द कार माई फाइनेंशियल पोजिशन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ऊपर का तो पोजिशन था ही इसके अलावा एक और एडिशन हुआ दैट इज बैंक ग्रांट्स में अ लोन ऑफ फाइव लाख देखो यहाँ पे फाइव लाख का लोन ऐड हो गया मॉडगेज लोन फ्रॉम बैंक फाइव लाख एंड आई बाई द कार फॉर रुपीज एट लैख अब मैंने कार परचेज की एट लाख में ठीक है कार आ गया आपका एट लाख में तो यहाँ पर आपका देखो टोटल पोजिशन जो है इट वुन लैखल्ट्रांजेक्शन माई वर्थ इंक्रीज फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन लैक हाई वर्स इज देर इज नोट आर ऑल्सो इक्वल इंक्रीज इन क्लेम अगेंस्ट माई वर्थ इन दॉगेज लोन फ्रॉम द बैंक माई नेट वर्थ रिमेन्स ठीक है थिंग्स ऑफ मोनिटरी वैल्यू एन एंटिटी आर टू एज एसेट्स एसेट्स मतलब सिंपल सा आप अगर समझो एसेट विल अ वैल्यू फॉर यू इन द फ्यूचर एसेट इज यूज इन अ कंपनी बाय फॉर जेनरेटिंग रिटर्न तो एसेट में आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर्मली इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट इज अ मॉनिटरी क्लेम और मॉनिटरी

सो डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल दोनों ही होता है नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन स्टेटमेंट इन अ समराइज वे देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है एसेट्स बिफोर एंड आफ्टर एंड लाइबिलिटीज एंड नेटवर्क बिफोर एंड आफ्टर ये देखो बैलेंस विद बैंक है साढ़े लाख पहले था ठीक है और फिक्स डिपॉजिट डेढ़ लाख कार तो थी नहीं अदर पर्सनल बिलोंगिंग पांच लाख टोटल आपका एसेट था दस लाख इसके बाद क्या हुआ आपने बैलेंस विद बैंक पचास हजार हो गया क्योंकि तीन लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया कार को परचेस करने के लिए ठीक है फिक्स डिपॉजिट डेढ़ लाख तो यहाँ से तीन लाख कम हो गया क्योंकि आपने कैश को निकाला तो कैश आपका कम हो रहा है बट इक्वल अमाउंट ऑफ कार यहाँ एड हो जा रहा है आठ लाख ठीक है ना तो इधर एड हो गया एसेट फिक्स डिपॉजिट सेम एंड अदर बिलोंगिंग सेम तो ये हो गया पंद्रह लाख अब लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ में देखो क्या है बिफोर एंड आफ्टर पर्सनल लोन था दस एक लाख का आफ्टर अभी भी वही है मॉडगेज लोन जो पहले नहीं था अभी हो गया पांच लाख का एंड नेटवर्थ जो कि पहले भी था अभी भी नेटवर्थ इज वॉट सिंपली एसेट माइनस लाइबिलिटी इज दर्थ ठीक है द पोलिंग पॉइंट ने बी नोटेड फ्रॉम दबॉव एग्जाम्पल इवन आफ्टर परचेजिंग द कार माई नेटवर्थ रिमेन्स से

Outside this claim has priority over the owner's claim on the asset, and hence net worth or owner's equity is a residual claim against asset. It follows from this that at any point in time, owner's equity and liabilities for any accounting entity will be equal to assets owned by that equity. This idea is fundamental to accounting. हमेशा ध्यान रखना होता है हमारा जो इक्विटी बेस्ड है कंपनी का तो उसमें एक होता है ओनर का इक्विटी और एक होता है आउटसाइड इक्विटी क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमने तो एक्सटर्नल इक्विटी भी लगा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एसेट इज नॉर्मली हम लोग को पता चल गया एसेट साइड कौन सा है एक साइड एसेट है जहाँ पे मेरे जो भी बिलोंगिंग है उसको हम दिखाते हैं दूसरी साइड क्या है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी लाइबिलिटी जो हम बाहर से ले रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी क्या हो गई ओनर का अपना कंट्रीब्यूशन लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो अपना कंट्रीब्यूशन है या ओनर्स का जो क्लेम है ना ऑन द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर द रेसिड्यूल रेसिड्यूल मतलब जो हम बच्चा कुचा होगा जो बाहर के इक्विटी होल्डर्स का क्लेम है या एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज हैं सबको पेमेंट करने के बाद जो बचता है वो होता है ओनर्स का राइट ओनर्स का राइट इसलिए हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला जो इक्वेशन है ये अच्छे से याद रख लो दैट इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी समझ में आ गया कि वन साइड ऑफ द बैलेंस शीट दैट इज द लाइबिलिटी साइड

बेनिफिट सेक्रीफाइस सिंपल सी बात है हम लोग इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसे बोलते हैं उसी तरीके से ये हो गया बेनिफिट सैक्रीफाइस मीनस वॉट डिड यू सेक्रीफाइस एंड वॉट डिड यू गेट सिंपल सी बात है आपने क्या दिया और आपने क्या रिसीव किया ये टोटल हमारा अकाउंटिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है या डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस राइट In other words, assets of an entity are इन अदर वर्ड्स the आर ऑलवेज इक्वल टू द्लेम्साइडर्स एंड ओनर यहाँ पे देखो claims of the outsiders and owners, दोनों को एक संघ करके हम कैपिटल में दिखाते हैं दिखाते हैं ना, क्योंकि हमारा जो कैपिटल बेस है उसमें कुछ हमारा अपना है और कुछ हमने बाहर से लिया है तो ओनर्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड दीन्स आउटसाइडर्स लाइबिलिटी मतलब इक्विटी कैपिटल जो हम बाहर से लिए दोनों मिलाकर, ठीक है इक्वालिटी एनेबल्स टू रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ये क्या बता रहा है आप देखो नॉर्मल से अगर आप देखो कि आप अगर एसेट आपका इंक्रीज इन एसेट हो रहा है इंक्रीज इन एसेट ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑन एंड ऑर इक्विटी एंड वाइजरसा देखो आप देखोगे कि लैब मतलब आपका जो बैलेंस शीट में है अगर आपका एसेट बढ़ा ठीक है कहीं एसेट बढ़ा तो उसके संग लाइबिलिटी भी मैच कर जाती है एसेट बढ़ा तो हो सकता है कैश रिड्यूस हुआ है. तो एसेट बढ़े या घटे द एंटायर लैब मींस इट वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी मतलब एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ये हमने एकदम इंट्रोडक्शन पोर्शन में किया है जर्नल वगैरह जब हम करते हैं वहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जब कैश अब इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ बिजनेस

तो ये एकदम जर्नल वाला जो बेसिक है वहां पे है ये। ये तो एसेट और इक्विटी, अ सॉरी एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर रहेगी आप कुछ बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो बैलेंस शीट का जो मतलब हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप देखोगे हमेशा हमारा जो बैलेंस शीट है वो एक, मैंने इक्वेट करेगा अच्छा ये वाला देखो एन इंक्रीज इन एसेट इन अ पोजिशन स्टेटमेंट इज पॉसिबल ये सिचुएशन का आंसर दीजिए थोड़ा लॉजिक लगाइए आप